फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया है। विरोध के दौरान फ्रांस की सरकारी इमारतों पर पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून दिखाए जा रहे हैं। ये पूरा बवाल हो रहा है बीते शुक्रवार को हुई एक विभत्स घटना के बाद। फ्रांस में बीते शुक्रवार को एक छात्र ने अपने टीचर का गला रेतकर हत्या कर दी। टीचर का नाम सैमुअल पेटी था और हत्यारे का नाम अब्दुल्ला अजारोव था। कहा जा रहा है कि इस महीने के शुरू में पेटी ने छात्रों को मोहम्मद पैगंबर के कार्टून दिखाए थे, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। दावा किया जा रहा है कि 18 साल के इस आतंकी ने इतिहास के एक शिक्षक पर हमला करने से पहले अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। बाद में पुलिस ने हमलावर को गोली से उड़ा दिया। हत्या के मामले में मंगलवार को छात्रों सहित 16 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया। इस्लामिक कट्टरवाद के कारण हुई इस घटना से फ्रांस के लोगों में आक्रोश भर गया है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी में स्थित एक मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। फ्रांस के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार बुधवार की रात से इस मस्जिद को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पेंटिन मस्जिद के प्रवेश द्वार पर एक संदेश में लिखा है कि इबादत स्थल 6 महीने के लिए बंद रहेगा और जो व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा उसे 6 महीने की कैद का सामना करना पड़ेगा। फ्रांस के शहर मोंटपेलियर और टाउलुस में दिवंगत शिक्षक को श्रद्धांजलि देने के लिए कई होटलों की दीवारों पर शार्ली हेब्दो के बनाए पैगंबर के विवादित कार्टून को प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है। यही नहीं, इसकी सुरक्षा के लिए शहर में बड़े पैमाने पर हथियारबंद पुलिस को तैनात किया गया है। इस बीच फ्रांसीसी सरकार भी देश से इस्लामिक कट्टरपंथ को मिटाने के लिए एक्शन में है। पूरे देश में लगातार छापेमारी की जा रही है। बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच फ्रांसीसी सरकार ने एक इस्लामिक समूह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की। फ्रांसीसी सरकार के प्रवक्ता ग्रेबियल अटाल ने बुधवार को कहा कि एक स्कूली शिक्षक की हत्या के बाद फलस्तीनी नेता शेख यासीन के नाम पर रखे गए एक इस्लामी समूह को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पेरिस में 2015 में शार्ली एब्दो मैगजीन के बाहर हुए हमले की सुनवाई चल रही है। वो आतंकी हमला भी पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने से नाराज होकर किया गया था। यही नहीं, इस साल भी मैगजीन ने फिर से वो कार्टून छापे हैं। इसके बाद अलकायदा की ओर से धमकी भी आ चुकी है। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।